चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं आज पूरी इसकी फिटिंग कौन सी कहाँ लगती है। ये स्टीम बात है, ये बाथरूम के अंदर लगता है। पहले मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ, ये जो है ये इसका ड्रेन वॉल्व है। ये ड्रेन वॉल्व हमेशा इधर लगेगा, ये 1.25 इंच के अंदर, ये इसका ड्रेन वॉल्व। इसको नीचे कर लिया, ये 1 इंच का, ये वाला 1 इंच का, इसका अपना 1/2 का अपने ये ले लिए, इसमें रिड्यूस कर दिए और उसके ऊपर CPX निपल लगा दिए। ये इसको ये टेफ्लॉन टेप लगा दिए, उसके बाद ये इसका हॉट कोल्ड वाटर इनलेट है। ये कोल्ड वाटर इनलेट का भी इसके बाजू में लगेगा इसी तरीके से। ये इसको ये कनेक्शन पाइप के जैसा रहता है। ये देखिए खोल लिया हम लोग ने, ये वाला और ये वाला, इसके ऊपर ये दो कनेक्शन पाइप। इसके अंदर रबर कभी भी देख लेना, बहुत बाई चांस इसके ऊपर ये एक लगा दिया, ये कनेक्शन पॉइंट। ये यहाँ से जब अपन हॉट वाटर का पॉइंट छोड़ते हैं बाथरूम के अंदर स्टीम के लिए, ये इसके लिए ये इन हो गया, इसके अंदर से कोल्ड वाटर इन हो गया। और जो स्टीम के बाद बाजू में अपन जो पॉइंट छोड़ते हैं ये कनेक्शन पाइप, उसमें मैं आपको सब बताता हूँ कर ले जाके भी। और उसके बाद में ये इसका वॉल है, ये इसका एनआर भी है। उसके बाद में सबसे ज़रूरी उसके अंदर अपने ये जो हॉट वाटर है, ये हॉट इसमें से हॉट पाना जो रहेगा 100+ डिग्री में रहेगा। इसको कभी भी सादा कनेक्शन पाइप मत लगाइए, इसी के तरह से जो हाई प्रेशर पाइप आता है ये हाई प्रेशर पाइप कभी भी लगाना चाहिए इसके अंदर। ये इसके अंदर देखो, इसके वॉल वगैरह सब चेक करके, ये इसके अंदर इसके वॉल ब्लैक कलर का वाइशर भी आता है इसके अंदर लगा के, फिर इसको या हॉट के लिए जो भी गैस जो आपने गर्म निकलेगा वो इसमें से निकलेगा, ये इसको इसमें फिट कर दें। दोस्तों वीडियो बड़ी बन रही है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये इसको यहाँ वीडियो रोकता हूँ, जब इसको अंदर इंस्टॉल करता हूँ तो मैं आपको अगले पार्ट में बताता हूँ इसको इंस्टॉल करने के बाद पूरी उसकी फिटिंग। ऊपर देखिए बॉस, यहाँ पे जगह कम थी इसके लिए, बनाते टाइम पे नहीं जम रहा था। ये देखिए स्टीम हमने किस तरीके से लगा दिया, स्टीम बात पूरी फिटिंग देखिए आप। ये उसका हॉट का है, ये GI का पाइप पूरा नीचे तक करना पड़ता है इसको, और ये कोल्ड का, ये जो कनेक्शन गया ये वाले बाजू के उसके ड्रेन वॉल में मिलाना है। ये हॉट कनेक्शन है, ये कोल्ड कनेक्शन, ठंडे पानी का कनेक्शन आया, ये सीधा आते हुए ये इसमें से दे दिए। और उसके बाद में ये देखिए, ये ऊपर वाला जो पाइप है ये हेवी प्रेशर का पाइप है, ये पाइप लाते हुए हमने इसको ये इसमें पहले मिला दिया, बता दिया था। ये हमारा हो गया स्टीम बाथ फिनिश पूरा भी, ये देखिए इसकी फिटिंग।